डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के लास्ट पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, आठवां चैप्टर जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों दैनिक जीवन का मतलब आपको थोड़ा सा भी पीड़ा महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, फीवर आ जाती है, बुखार आ जाती है, पूरे शरीर में बदन में दर्द हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, अचानक से फटाफट जाते हो, मेडिसिन लेते हो, खाते हो, आप ठीक हो जाते हो। आपने कभी सोचा कि जो मेडिसिन आपने खाया और वो दर्द से आराम दिला दिया, आपके फीवर को ठीक कर दिया, वो एक्चुअली क्या है? एक तरह का केमिकल है, एक तरह का रसायन है जिसको आप दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, कि आपने केमिकल्स का यूज अपने लाइफ में कैसे करते हो। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप दर्द है, दांतों का दर्द है, तो आपको क्या लेना है। अगर अत्यधिक तेज दर्द है तो क्या करते हैं। हालांकि पिछले क्लास का बात करें तो हम लोग निद्राकारी और अनिद्राकारी दवाइयां के बारे में पढ़ रहे थे। अब वो निद्राकारी दवाइयां क्या है, एक्चुअली उसमें कोडीन और हीरोइन की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए एक्चुअली हम लोग उसको खाते हैं, दर्द से तो आराम दिलाता ही दिलाता है, उससे हम लोगों को अच्छी फ्रेश ताजगी नींद भी आती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर जैसे कि वो जो अल्कोहल लेते हैं ना, जो दारू पीते हैं, उनकी लत लग जाती है पीने की, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये निद्राकारी दवाइयां लेने की आदत पड़ जाती है, ताकि वो कहीं से अगर मजदूर काम करके आता है ना, उसके पूरे शरीर पूरा थकावट में होते हैं और वो दवाइयां क्या करती है, उनको रिलैक्स देती है, तो उनकी आदत भी पड़ जाती है वो अल्कोहल की तरह। ठीक है, तो कुल मिलाकर निद्राकारी के हम लोग बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं और निद्राकारी के बारे में, जिसको इंग्लिश में एंटी नार्कोटिक भी कहते हैं। टॉपिक दिया जाए और निद्राकारी दवा, और निद्राकारी दवाइयां, और निद्राकारी दवाइयां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी नार्कोटिक, एंटी नार्कोटिक। ठीक है, चलिए इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए एंटी नार्कोटिक के नीचे वे रसायन जो आलस्य कौमा चिंता से मुक्ति दिलाता हो, चिंता से मुक्ति दिलाता हो, उन्हें अनिद्राकारी कहा जाता है, उन्हें अनिद्राकारी कहा जाता है। देख लो, अनिद्राकारी का मतलब कभी कभी ऐसा होता है भाई कि खूब वो सो रहा है, मतलब एक निद्राकारी का मतलब नींद आने वाली, बेहोश करने वाली दवा, ताकि वो सो सके। होता क्या है, दो तरह की बीमारियां व्यक्ति में होती है, एक वो जो पूरा एकदम नींद ही आते रहता है, पूरा वो थकान ही रहता है, हमेशा आलस्य व्यक्ति क्या करते हैं, आराम से बैठे रहेंगे चेयर पे, आराम से सोए रहेंगे, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, है ना, यानी कि बेहोश टाइप के हो, लेकिन उनको होश में लाना, यानी कि जो दिन भर सोए रहते हैं, रात भर सोए रहते हैं, फिर भी उनको सोया कंप्लीट नहीं होता है, यानी उसको बोलते हैं अनिद्राकारी, यानी कि सोया व्यक्ति को जगाने वाली दवा। और निद्राकारी क्या है, उनको रात में भी सोने का प्रयास तो खूब कर रहे हैं,
लेकिन वो आंख बंद लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। आंख बंद ही नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दिखाई भी देता रहेगा। नींद ही नहीं आता वो भी समस्या है, और नहीं नींद आ रहा वो भी समस्या है। तो कहने का मेरा मतलब कि अनिद्राकारी का काम क्या है, तो आलस्य को दूर भगाना, चिंता फिकर यानी कि टेंशन में अगर जी रहे उसको हटाने का काम करता है ऐसा केमिकल जो चिंता से मुक्ति दिलाए, आलस्य को भगाए, उसको हम लोग अनिद्राकारी कहते हैं। अब उसको जैसे मैं करके लिख लेंगे, ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो अनिद्राकारी में काम करती है, तो इसका नाम है एसिटोमिडोफिनॉल। एसिटोमिडोफिनॉल ये दवा का नाम है, ठीक है, एसिटोमिडोफिनॉल, ठीक है, कॉमा सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये दोनों दवाएं हैं, दोनों दवाइयां हैं जो अनिद्राकारी के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप उसके नीचे जैसे में लिख लीजिए एसिटोमिडोफिनॉल और सैलिसिलिक अम्ल। चलिए अब इसी का नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे। नेक्स्ट एरो में सैलिसिलिक अम्ल कॉमा सैलिसिलिक अम्ल कॉमा मॉर्फिन का केवल सैलिसिलिक अम्ल कॉमा मॉर्फिन का केवल मॉर्फिन पढ़े थे ना पिछले क्लास में मॉर्फिन कोडीन के बारे में, तो मॉर्फिन का केवल 1/50 भाग होता है, 1/50 भाग होता है, अतः इसका उपयोग मध्य क्रम दर्द के लिए किया जाता है, देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब क्या है, ये सब अत्यधिक तेज दर्द के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है अनिद्राकारी में इसका जो भाग है यानी कि मॉर्फिन का 1/50 भाग ही सम्मिलित किया जाता है सैलिसिलिक अम्ल में, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल में मॉर्फिन का 1/50 भाग होता है, यानी कि मॉर्फिन का 50वां हिस्सा सैलिसिलिक अम्ल में पाया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल का जो उपयोग है वो हम लोग कहाँ करते हैं, तो मध्य क्रम के दर्द को, यानी कि न ज्यादा दर्द है न ही कम दर्द है, मतलब बीच बीचवा में जो दर्द है, मतलब कभी कभी दर्द करता है, तब उसमें हम लोग सैलिसिलिक अम्ल ले सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देकर लिखा जाए, लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक के साथ साथ, सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक के साथ साथ ज्वर नाशक तथा ज्वर नाशक का मतलब बुखार कम करने वाला, ज्वर नाशक तथा सूजन को कम करने वाली दवा के रूप में, भी इस्तेमाल किया जाता है, देखिए सैलिसिलिक अम्ल के बारे में पढ़े कि मॉर्फिन का 50वां हिस्सा इसमें पाया जाता है, इसलिए मध्य क्रम दर्द के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और अभी पढ़े कि जो सैलिसिलिक अम्ल है ये काम कहाँ कहाँ करता है, तो ये मध्य क्रम के दर्द के लिए भी, थोड़ा बहुत दर्द है तो उसमें भी ये काम करता है,
और ज्वर नाशक, यानी कि आपके फीवर भी है फिर भी ये फीवर को कंट्रोल कर सकता है। और अगर आपको कहीं भी बॉडी में सूजन जैसा महसूस हो रहा है, सूजन है, सूजन टाइप का है, तो यहाँ पे भी ये काम कर सकता है। यानी कि सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग हम लोग तीन जगहों पे अच्छे से कर सकते हैं, मध्य क्रम के दर्द के लिए, दूसरा सूजन को कम करने के लिए, और तीसरा बुखार को कम करने के लिए ज्वर नाशक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो लिखेंगे। लिखा जाए सैलिसिलिक अम्ल के उपयोग से सैलिसिलिक अम्ल के उपयोग से मुंह तथा पेट में जलन होती है, अतः बाद में सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाया गया। जी हाँ, देख लो आप चीजों को समझो। हम लोग पहले ही पढ़े एस्प्रिन दर्द निवारक, दर्द के लिए काम करता है। आपको जानना चाहिए कि सैलिसिलिक अम्ल भी दर्द के लिए है, साथ साथ बुखार के लिए भी है, साथ साथ सूजन को कम करने के लिए है। लेकिन जब इसको हम लोग खाते हैं तो मुंह और पेट में थोड़ी जलन महसूस होने लगती है, इसीलिए इसी सैलिसिलिक अम्ल से बाद में इसको क्या बना दिया गया, एस्प्रिन के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि एस्प्रिन जो दवाई है वो कहीं ना कहीं किससे बना है, तो वो सैलिसिलिक अम्ल से बना है। क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल से जो व्यक्ति खाते थे उनके मुंह में और पेट में जलन महसूस होने लगता था, इसलिए इसको बदल कर इसमें कुछ केमिकल वगैरह का यूज करके उसको कंट्रोल करके और फिर इसको एस्प्रिन नाम दिया गया, एक नया नाम दिया गया। तो कुल मिलाकर ये सब जो टॉपिक्स थे ये कहीं ना कहीं और निद्राकारी दवाइयों के रूप में हम लोग ये सभी सारी चीजों को पढ़े। चलिए उसके बाद एक न्यू टॉपिक्स को पढ़ते हैं जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल्स। अब ये एंटी माइक्रोबियल्स क्या है जरा इनके बारे में पढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स। देखिए एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब क्या है, कहीं अगर कट छट जाता है तो बहुत सारा जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, जीवाणु है, आपके घाव पर आने लगते हैं, ठीक है, और उस घाव को और गहरा करने लगते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग ऊपर से कुछ मलहम वगैरह, स्प्रिट वगैरह, डिटोल वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक ना, ताकि यानी कि कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जो मुंह से न खाकर अपनी त्वचा पर लगाया जाता है, जैसे मलहम क्रीम जिसको कहते हैं, और कोई लिक्विड लगाते हैं ताकि उस त्वचा पर जो बैक्टीरिया बाहर से आकर हमला करती है उसको वहीं खत्म किया जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, तो टॉपिक दिया जाए एंटी माइक्रोबियल्स, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए मानव शरीर तथा जानवरों में विभिन्न बीमारियां सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया वायरस फफूंदी द्वारा होता है उसे एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। उसे
एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, एंटीमाइक्रोबियल्स का मतलब क्या है? अक्सर क्या होता है ना कि मानव का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे का शरीर हो, चाहे जानवर का शरीर हो, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म कण हैं जिससे क्या होता है, हमारे शरीर जो है प्रभावित होता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया फैल जाए या कोई वायरस घुस जाए, वायरस के तो आप जान ही रहे हैं, कोरोना वायरस वो भी एक तरह का वायरस है, तो वो अगर कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर आ जाता है तो आपकी इम्यूनिटी पावर को घटा देता है, खत्म कर देता है, और आप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, अंदर की शक्तियां घटने लगती है। तो इसीलिए बोला गया कि हम लोग संक्रमित या फिर बीमार पड़ सकते हैं, किसके वजह से, सूक्ष्म कणों की वजह से भी बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, जीवाणु, कीटाणु, तो ये सब क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स में कौन कौन आता है, तो उसको समझने के लिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, लिखेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कॉमा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट आदि एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं। तो याद रखना भाई, एंटीमाइक्रोबियल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइन्फेक्टेंट आदि। यानी कि ये सब क्या है, क्या है आखिर एंटीबायोटिक, क्या है एंटीसेप्टिक, क्या है डिसइन्फेक्टेंट, तो इसके बारे में दोस्त हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सिर्फ ये जानिए कि एंटीमाइक्रोबियल्स में क्या क्या आते हैं, तो एंटीबायोटिक आता है, एंटीसेप्टिक आता है और डिसइन्फेक्टेंट आता है, और इसकी जो मूल रूप से जानकारी है उसको हम अगले क्लास में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।